हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ से बहुत कम लोग अवेयर हैं। एक्चुअली मालशेज घाट के नज़दीक है पेंडरी गांव, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे आकाश के स्कूल के थ्रू। तो आकाश के स्कूल की पिकनिक गई थी पेरेंट्स की, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। और वहाँ पर उन लोग ने इनिशिएटिव लिया है स्कूल ने कि स्टेबल टूरिज़म लाएँ, और वहाँ के गाँव के लोगों का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इस टूरिज़्म आने से तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो चलिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग ये गांव के बारे में जानें और आप देखें कि यहाँ पे क्या कितना अच्छा है, स्वर्ग है एकदम, वाटरफॉल और जैसे हर जगह होते हैं ना टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन यहाँ पर कम लोग आते हैं, तो आप लोग भी जाएँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग एक ट्रैवल ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, एक वन डे पिकनिक है। तो क्या है कैसे आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, लेकिन बने रहिए हमारे वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ स्कूल में देखिए बाकी पेरेंट्स भी आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। और रास्ते में मैंने जितने भी अच्छे व्यू मुझे लगा मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए हैं, तो वो आप लोग इन्जॉय करिए। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए गांव में, और देखिए गांव वालों ने हमारा कैसे वेलकम किया। यहाँ पे सबको उन्होंने टीका लगाया और उसको एक फ्लावर दिया, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं ऐसे ही सबको उन लोग ने वेलकम किया। फिर वेलकम सॉन्ग गाया, फिर नाश्ता खिलाया, और फिर लंच भी इन लोग ने खिलाया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा ओवरऑल, और आप देखिए और इंजॉय करिए। जब पोहा नाश्ता कर रहे हैं, मुझे देखिए बन रहा है ये दोपहर का खाना ना, दाल है, छोले चना में। यहाँ पे देखिए दोपहर के खाने की प्रिपरेशन हो रही है एकदम विलेज स्टाइल में।
ये देखिए जो हम लोग ने अभी चाय पी है ना, वो ये वाली चाय है। Now what do you think about the sustainable tourism? So these students are learning how to manage sustainable tourism. There are 9th standard and 11th standard students. And the whole day they will be with us. They are learning all these things. Okay? So वो आपको कुछ instruction देंगे तो वो सुनिए। Okay? So it is my humble request. They are volunteering. They will little bit they will guide you. यहाँ से चलिए please. प्लीज पे ध्यान दे के आप प्लीज उनका सुनिए। इट इज माय रिक्वेस्ट बिकॉज दे आर अंडर लर्निंग प्रोसेस एंड देयर फर्स्ट विजिट, और फर्स्ट विजिट पे उनको बहुत डिफिकल्ट टास्क मिला है स्कूल से, बट होप दे विल मैनेज एंड यू ऑल विल हेल्प देम टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो एंजॉय योर डे। नाउ दिस टीम विल डिवाइड यू इनटू पर्टिकुलर ग्रुप as per your interest and as per the, their norms, and then we will start our group because it is already 11. उतरने के बाद स्पॉट पे आपको उन्हें ही फॉलो करना है। कृपया करके अपना टीम चेंज मत कीजिए, वो आपकी गिनती लेंगे, उसी गिनती के साथ उनको वापस भी आना है। बदलेंगे ना हम दुनिया, चाहे बदलती रहे हम सातों जन्म, मिलते रहे हो जैसे। मैं मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई सास, समंदर पार में तेरे पीछे पीछे हो गई देर। कभी हार के मिलेंगे बाहर के, ओ राही ओ राही, जो ओ जानम। डांस डांस चलो डायरेक्ट तो डांस दिखाओ ऐसे रियल लाइफ ब्लॉग। हाँ जैसे गाने पहुंचे। वाह क्या जगह है यार, सबको एक घर भी देखना है, आते वक्त एक घर भी देखना है। ये सिंगापुर गाँव सिंगापुर आ गए। आज हम लोग सिंगापुर भी जाके आ गए। यहाँ देखिए रास्ते कितने पतले पतले हैं, एकदम रास्ते, और एकदम ग्रीनरी है।
पहुंचने वाले हैं और ट्रैकिंग शुरू करेंगे। ये भैया आपको हेल्प करेंगे। ये देखिए हमारे गांव के टूरिस्ट है हमारे आज के यहाँ। अगेन ट्रैक वाले पेरेंट्स इन 9 लोग के साथ ही रहेंगे। सबसे आखिर में वैभव, अपना हाथ ऊपर करो। सबसे आखिर में वैभव रहेगा ट्रैक के। इसके पीछे कोई पेरेंट नहीं रहना चाहिए, सब वैभव के आगे ही रहेंगे। सबसे आगे अपने लड़कों में रामदास और बाला रहेंगे। इन दोनों के आगे किसी पेरेंट्स को नहीं जाना है। इज दैट क्लियर? यस। आगे पीछे मेंटेन रखिए, फॉरेस्ट एरिया है, घूम जाने का चांस है। जब तक आप ग्रुप के साथ रहेंगे तब तक आप सेफ रहेंगे। और रस्ते का मार्किंग किया हुआ है लाल रिबन के साथ, लाल रिबन के साथ। जब आप एक रिबन पे खड़े रहेंगे आपको दूसरा रिबन दिखेगा। अगर किसी ये ट्रैक के दौरान आपको रिबन नहीं दिख रहा, वहां पर ही रुक जाइए और इनमें से किसको पूछिए क्या हम सही रास्ते पे हैं। इनको रास्ता बाय हार्ट है, इनको इन्होंने खुद ने मार्किंग किया है रास्ता, तो इनके साथ रहेंगे तो घूमने का कोई चांस नहीं है आपका। अगर घूम भी जाते हैं तो एक आवाज, एक कॉमन एक आवाज होनी चाहिए। हो सकता है, कभी कभी हो सकता है ना। सिटी आई थिंक सबको आएगा नहीं आएगा, बट ये आवाज सबको आएगा। इसके अलावा जैसे फॉरेस्ट ने कहा है कुछ झाड़ मत तोड़िए। अगर कोई झाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए पूछिए। कुछ झाड़ आएंगे जिसका आप हाथ पे टैटू करवा सकते हैं। आपने वीडियो देखा होगा व्हाइट कलर का टैटू पत्ता मार के होता है, बॉयज को अगर वो मिला तो वो आपको करके देंगे। जाके किसी झाड़ को टच मत कीजिए, हो सकते हैं बॉयज का भी हो, तो झाड़ को जाके टच मत कीजिए। कचरा प्लीज, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा है ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे कचरा मत डालिए। कुछ भी कचरा होगा अपने बैग के अंदर डाल दीजिएगा। अभी सिर्फ ट्रैकिंग वाले पेरेंट्स जाएंगे, बाकी के पेरेंट्स यहाँ पे रुकिए। वाओ, कितने पतले रास्ते हैं, पतले पतले रास्ते ट्रैकिंग वाले। और ये हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, एकदम तिलक विलक लगा के ट्रैकिंग के लिए निकले। पक्का? ये कुर्सी पे बैठेगा कौन पहुंच के, पहले ये बताओ। बैठना ना ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसमें उधर चढ़ना है इससे। अच्छा, वो कमांडो रस्सी पे जाता है ना क्या? हाँ हाँ, रस्सी पे जाना है। हाँ। अरे वाह, फिर तो ये करेंगे। खाना ना, ये देखो ये देखो, आपको धान देखना था ना, ये चावल। ये किस चीज का है? चावल है, चावल का खेत है। पैड़ी, पैड़ी। अच्छा, पैड़ी बोल रहे हो। इसके अंदर एक फोटो खिंचाने का मजा क्या रहेगा। हेल्प की जरूरत किसको है, मैं तो दिख ही रही। देखो व्हाइट फ्लावर, जंगल की पहली खोज व्हाइट फ्लावर। चलो आप भी पहले ट्राई करते। नहीं नहीं, ये रास्ता पहले बंद किया हुआ था लग रहा है। श्योर? क्या है, क्या है? अच्छा, वाओ, ये वाटरफॉल से आ रहा है ना पानी।
अभी वाटरफॉल आने वाला है। थोड़ा और ऊपर है बस। ऊपर है, अच्छा उस साइड जाना है क्या? तो मैं आपका आप अकेले पड़े तो ये लाल रिबन है, इसको फॉलो करना है। सामने से है, सामने है, आगे दूसरा लाल रिबन वहां दिख रहा है। आप सबका ले रहे हो ना, देखो मिस्टर सिंह कैसे रास्ते पार करते हुए मुश्किलों वाले साथ में हैं। सबसे पीछे सर, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सर सबसे पीछे हैं, इसका मतलब कि हम लोग पीछे हो चुके हैं, हम लोग भी पीछे हो चुके हैं। कितने पतले पतले रास्ते हैं, यहाँ खोने का पूरा चांस है। और ऊपर बादलों से घिरा हुआ अपना ये माउंटेन। अच्छा अभी पांव भीगने ही वाला है मतलब? हाँ हमने देखिए वाटरफॉल आ गया है भाई। हाँ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल। यहाँ पे देखिए ये जिप लाइन के लिए सब लोग खड़े हो गए। आप जहाँ पर है वाटरफॉल जहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको दो तीन दिख रहे हैं इनके ऊपर और दो वाटरफॉल है। ओके ये पूरा सह्याद्री का ही रेंज है। इस पर अभी आपको जहाँ पर एक पिनाकल दिख रहा है, दैट इज अ वानरलिंगी पिनाकल जिसको खड़ा पासी भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक पोर्ट है, दैट इज अ जीवरन पोर्ट, बट इट्स अप्रोच फ्रॉम दी पुणे साइड। अभी हम लोग है कोकण साइड में, थाने डिस्ट्रिक्ट में। इसके ऊपर एग्जैक्टली है आपका पुणे डिस्ट्रिक्ट। ओके अभी हम लोग एक्टिविटी करने, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज होने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको ऑरेंज वाला रोड दिख रहा है, दैट इज अ जिपलाइन एक्टिविटी। आपका एक ट्रैक होगा ऊपर और एक बड़ा वाटरफॉल है, वहाँ पर आपका ट्रैक होगा। नीचे आपकी एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर आपके कमांडो ब्रिज, राइफल शूटिंग, आर्चरी ऐसे एक्टिविटीज़ है। और एक ट्रेल है आपका, वहाँ से भी आपको जंगल फॉल पर एक्सप्लोरेशन आप करेंगे। अभी यहाँ पर आप आए तो जो भी आपको सब एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन देंगे, वो सब इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। ओके जिसने भी जो भी कुछ ज्वेलरी पहना है हाथ में, बैंगल्स विंगल्स जो भी है, कान में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। क्योंकि एक्टिविटी करते वक्त कहाँ पर भी गिर सकता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसकी केयर लेना है। जिनके स्पेक्स है, ओके एक्टिविटी के वक्त अगर लग रहा है आपको स्पेक्स आपके लूज है, आपके इसके पास को तो हैंड ओवर कर दो। एक्टिविटी होने के बाद आपके जो एंड होने के बाद यहाँ से ये पाथवे है, पाथवे होते यहाँ से क्रॉस करना है आपको और यहाँ से आना। ओके यहाँ से संभल के आना है, वहाँ पर मॉइस्चर है, स्लिपरी है थोड़ा पोर्शन, तो वहाँ से सही है तो बैठ के आ जाइए। अगर वहाँ से आपका फॉल हो गया तो पानी के लिए वापस के संभल के आना है। अगर वहाँ से आपको नहीं पॉसिबल है तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप नीचे से आ सकते हैं। ओके क्लियर है? ओके अभी आपको हार्नेस दिखाएंगे। जब भी आप हार्नेस पहनते हैं, ओके हार्नेस में तीन लूप, यहाँ पर आर लिखा है, लिख रहा है आर मतलब राइट, एल मतलब मतलब लेफ्ट, कहाँ पर आपका लेफ्ट लेग वापस जाएगा, आर की जगह आपका राइट लेग जाएगा। पहले आपको हार्नेस आपका लूज है क्या नहीं देखना चाहिए, हार्नेस लूज है, सबके टी शर्ट्स इन रहेंगे, वेस्ट लूप से जाना है अंदर, राइट पैर डालना है, बाद में लेफ्ट पैर डालना है। ओके कमर से ऊपर उठाना है, यहाँ पर आपका बोन है, ये बोन के ऊपर आपका हार्नेस आना चाहिए, बोन के नीचे हार्नेस नहीं आना चाहिए। ये जो लूप है ब्लैक वाला लूप, ये बराबर सेंटर में रहेगा। पहले आप वेस्ट का लूप टाइट करेंगे, उसके बाद में नेक का लूप टाइट करेंगे। चेक करना है कि कहाँ पर भी ट्विस्ट नहीं आ पाए, पूरा क्लियर करके लेना है। जा रही हूँ, डर लग रहा है How is the feeling? How is the josh? Hi.
बाल नहीं खुल जाएगा ना ऐसा धीरे धीरे। अभी रुचि जा रही है और वो इसी रास्ते से ऐसे यहाँ तक आएगी। अभी चढ़ने का प्रोसेस, जस्ट टाइम टू गो, नो स्टार्टेड। How is the Josh? कैसा लगा? अच्छा लगा एकदम जाके। वाह, लेकिन पहले तो बहुत डर लग रहा था। अनफत है। फोटो भी ले लो। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट बस। अरे ये लकड़ी की जरूरत है क्या वहाँ पे? ऊपर और भी बड़ा वाटरफॉल है, वहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग। चलो 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 चलो। वाओ मस्त है। तो आप कर लेते हो इसके साथ ही जा रहे हैं बहुत बड़े वाटरफॉल में नहाने, तो देखिए चलिए मेरे साथ आप लोग। तो ये सर थैंक यू गाइड कर रहे हैं। कितनी घड़ी चढ़ाई है, देखिए हम लोग चढ़ के आए हैं। बताओ अभी तीर कमान है और शूटिंग है, उसके बाद लंच है। गिरते गिरते बच्चे आगे का सीन दिखाओ। आगे का सीन देखिए कितना मुश्किल है। ट्रैफिक जाम के लिए बड़े पट 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 पट। चलो चलो सगळ्यात मोठा वॉटरफॉल आहे नाणी असं रिटर्न रिटर्न पावर यहाँ से देखो पूरा स्लैंड।
अच्छा यही मारने वाला है ये सवाल के रुचित तुम इस वक्त टारगेट पे हो
उसके बाद एडवेंचर एक्टिविटी स्पोर्ट्स के उसके लिए खुद के लिए तालियां। हमें फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उन्होंने कहा था कि झाड़ मत तोड़िए, कचरा मत डालिए। इसका पालन हम में से अराउंड 98% लोगों ने किया, उसके लिए तालियां। मैं पूरा ट्रेल करके आया, मुझे एक छोटा बॉटल, एक फरसान का जो तोड़ते हैं पैकेट उसका एक पीस, एक हैप्पी डेंट का पैकेट नया वाला जो खोला नहीं था वो पड़ा हुआ मिला, और एक खुला हुआ पैकेट। जिन लोगों ने डाला है उन्हें पता है उन्होंने डाला है, मैंने दो लोगों को डालते हुए देखा, मैं उनको नाम नहीं लूंगा, लेकिन सामने ही डाला था, मैंने तभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि एक खुद के जमीर से एक बात आनी चाहिए कि हमें नहीं डालना है, लेकिन बाकी सब लोगों ने स्वच्छता मेंटेन किया, उसके लिए थैंक यू। कचरा के अलावा हमें और दो चीजें पाई गई जो हमारे पेरेंट्स भूल के गए हैं, एक तो है ये वॉच, जिसका भी ये वॉच है कृपया करके रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास आके ले जाइए, और उसके अलावा है एक मोबाइल फोन। हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने मोबाइल फोन दान किया है पिंडी पंचायत को। हम इसको अगले शनिवार की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे। अभी आखिरी बात, यहाँ पर बिरसा एडवेंचर मंडल पेरेंट्स एक मिनट, आज जो एडवेंचर एक्टिविटीज थे वो मंगेशर एंड टीम जो एडवेंचर इंडिया के लोग हैं एंड हमारे गांव के लड़के जो है बिरसा एडवेंचर मंडल बॉयज, उन्होंने कंडक्ट किया आपका पूरा ट्रैक, उन्होंने कंडक्ट किया। उनसे लेकर अगर आपके पास कोई फीडबैक है दोनों अच्छा और कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, बेझिझक होके हमारे साथ ये शेयर कीजिएगा, समय दे दूंगा बच्चों को। और आज का जो खाना था अन्नपूर्णा महिला मंडल महिला बचत गढ़ की औरतों ने तय किया। अन्नपूर्णा महिला बचतगढ़ की औरतें अगर आप आ सकते हैं बाहर तो आ जाइए, आपके लिए भजिया अभी बना रही है ताकि आप बस की सफर के वक्त भजिया एंजॉय कर सकते हो, घर जाके अपने परिवार के साथ शेयर कर। बाकी की तीन औरतें कहाँ है? हमारे बिरसा एडवेंचर मंडल के बॉयज आप भी आगे आ जाइए, रमेश वैभव काशीनाथ बाड़ा सुभाष, प्रकाश, इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, थैंक यू। एक फोटो पार्सल पैक हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पेंड्री गांव जरूर जाके आइए एक बार। बाय बाय।